उत्तर प्रदेश के वाराणसी की बहुचर्चित ज्ञानवापी मस्जिद के आर्कियोलॉजिकल सर्वे का आज पांचवा दिन है। अभी तक हो रहे सर्वे में मस्जिद के गुंबद का सूक्ष्म रूप से सर्वेक्षण किया गया है। आगे की कार्यवाही में बाकी के गुंबदों और तहखानों की सफाई के साथ साथ उनका सर्वे शुरू किया जाएगा। इस सर्वे में अभी तक की जांच पड़ताल और सर्वेक्षण की कार्यवाही को देखते हुए वकीलों द्वारा सर्वे में लंबा समय लगने की आशंका भी जताई जा रही है। देखिए, कल इसलिए देर से शुरू हुआ था कि सोमवार था और भक्तों की भीड़ जो है मंदिर में हमको लगता है लाखों में था। इसको देखते हुए भाई तय किया था सारी यूनिट ने, प्रशासन ने, कि थोड़ा सा सुबह का टाइम बढ़ा के इसको 10:30 कर दिया जाए ताकि भाई दर्शनार्थियों को कोई कष्ट ना हो, कोई दिक्कत ना हो, तो इसलिए कल हुआ। लेकिन आज जो है, आज फिर अपने एज इट इज टाइम जो इनका 8 बजे का है, 8 बजे से शुरू होने जा रहा है और कार्य को आगे बढ़ाएंगे। बढ़िया काम अच्छा कर रहे हैं SI जो है, इनके विशेषज्ञ लगे हुए हैं और बड़े ही सिस्टमेटिक ढंग से ये काम को आगे कर रहे हैं। अब चढ़ेंगे गुंबज का काम तो भाई लगातार परसों भी हुआ, कल भी हुआ, आज भी होगा, क्योंकि क्षेत्र बहुत बड़ा है भाई। डीपली इनको मेजरमेंट करना है, डीपली इनको सर्वे करना है, सारे साक्ष्य बहुत ही डीपली जुटाना है। इसलिए कोई एक दिन का ये काम नहीं, ये काम, ये समय लगेगा इसमें और धीरे 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 ये कार्य को कर रहे हैं। अपने अनुसार, अपनी सुविधा अनुसार इनकी यूनिट पूरे कार्य को कर रहा है। तो चूंकि डीपली काम करना है, एक एक बिंदु, एक एक चिन्ह, एक एक जो है खम्भे, एक एक जो है दीवालें, एक एक, तो सारी चीज़ों में समय लगेगा। इसमें बहुत लंबा समय भी लग सकता है क्योंकि भाई बहुत ही गहन अध्ययन करेंगे, स्टडी करने के बाद ये एनालिसिस निष्कर्ष पे पहुँचेंगे कि ये मामला क्या है, ये मंदिर का है कि मस्जिद का अवशेष है, ये कलाकृतियाँ किस कालखंड की हैं, ये कलाकृतियाँ हिंदू धर्म का है या मुस्लिम धर्म का है, ये सारी चीज़ें बड़ा डीपली अध्ययन करेंगे। ये आज हम लोगों को 8 बजे से सर्वे शुरू हो जाएगा और कल से जो सर्वे हुआ है उसे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा। टीम अपनी संख्या बढ़ाए घटाए टीम सर्वे कर रही है। अभी लगता है गुंबज पर पूरा सर्वे नहीं कर पाई है, वो गुंबज पर करेगी। तखानाओं में वृद्धि गति में सर्वे हो रही है। अभी ब्यासी के तखाने से मलबा कल तक नहीं हटा था, ईंट पत्थर बांस बल्ली इत्यादि पड़े हुए हैं, बिना उसको हटाए उनका फोटोग्राफ वीडियोग्राफी होना संभव नहीं है। लगता है वहाँ करेंगे। अंदर बहुत ज़्यादा मलबा है क्या? और तपानों की अपेक्षा गंदगी मलबा ज़्यादा भरा ही हुआ है, बहुत दिन का भरा हुआ है और उसमें मैंने कह सकते हैं सांप बिच्छू जानवर का भी भय है। बिना मलबा हुए संभव हटना संभव नहीं है। बांस बल्ली प्राचीन भी हैं, लकड़ियाँ हैं, पड़े हुए हैं, तो उसको अभी सफाई पूर्णता नहीं हो पाया है। आज देखिए, हो सकता है कि तहखाना खुले, गुंबद का तो हो गया है करीब करीब, हो सकता है तहखाना खुले 8 बजे जी। बहुत उत्साह है, हम थकावट हम लोग घर जाकर निकलती है, बहुत ज़्यादा हम लोग को थकावट घर निकलती है, लेकिन हम लोग बहुत उत्साह है, हम लोग को हर एक दिन सोचते हैं कि हम लोग हर एक दिन जाएं, हम लोग खुशी होती है कि ये हम जिसे लग रहा है हम लोग का रूटीन हो गया है। एक हम लोग का बाबा का काम है कि हम लोग सुबह जल्दी उठें, तैयार होकर जल्दी हम लोग को ड्यूटी पर जाना है, उस तरह हम लोग को लगता है कि सर्वे में हम लोग ये हम लोग जिसे मतलब मस्जिद में तो हम लोग को जाने को मिलता है क्योंकि हम लोग हिंदू महिलाएँ हैं और ये पश्चिमी दीवार से हम लोग पश्चिमी दीवार तक हम लोग सारा चीज़ देखते हैं, उसी में हम लोग मतलब जिसे एक से सुपरवाइजर है काम हम लोग का, वही हम लोग एक एक चीज़ अपना देखते हैं और एक एक चीज़ हम लोग को बताते हैं।